Hey 9 Science, welcome to our today's class for Divine Public School. In the last class, we just finished our chapter number 1. Today, we start a new chapter number 2. Is matter around us pure? हमारे जो आसपास के पदार्थ हैं, क्या वो प्योर हैं, शुद्ध हैं? चलिए एक हल्का सा रिकैप लेते हैं. हम बात कर रहे हैं मैटर की, जिसका फिजिकल कंपोजिशन हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट. ये तीन मेजर स्टेट्स ऑफ मैटर होती है, जिसमें ऑलमोस्ट सभी चीज़ें डिवाइडेड रहती है. ये कुछ एडवांस है, साइंस ने इनको अभी जनरली डिफाइन नहीं किया हुआ है. ये प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंस चौथी और पांचवी स्टेट है. वैसे मैं आपको बता दूं, टोटल 20 से 22 स्टेट्स ऑफ मैटर होती है, बट जनरली हमें तीन ही पढ़ाई जाती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस. बोस आइंस्टाइन कंसंट्रेट कंडेंसेट, ये BEC, इसको सत्येंद्र नाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टाइन, इन दो महान साइंटिस्ट ने मिलकर डेवलप किया था, मिलकर इसके बारे में पता लगाया था, इसीलिए इसको कहा जाता है BEC, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट. सो अब इस चैप्टर के अंदर अपन पढ़ेंगे केमिकल वाला पार्ट, केमिकल कॉम्पोजिशन. केमिकल कॉम्पोजिशन के अंदर मैटर को दो अलग अलग पार्ट्स में बांटा गया है. अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री, केमिकल्स के हिसाब से मैटर दो टाइप का होता है, प्योर और मिक्सचर. प्योर के अंदर आते हैं एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं बहुत जल्दी, और मिक्सचर में आते हैं होमोजीनियस मिक्सचर और हिट्रोजीनियस मिक्सचर. इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक हल्की सी नॉलेज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ. यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं एवरीथिंग. इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, हर कोई लिविंग, नॉन लिविंग, जितनी भी तरह के कॉम्पोनेंट्स हैं, लिविंग थिंग्स हैं, नॉन लिविंग थिंग्स हैं, कोई सा भी मैटर हो, वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, एक तो मैटर में, एक एनर्जी में. मैटर के अंदर वेट होता है, मैटर स्थान घेरता है, जगह ऑक्यूपाई करता है, स्पेस ऑक्यूपाई करता है. एनर्जी के साथ ऐसा नहीं होता. अगर मैं बात करूँ ट्यूबलाइट की, तो ट्यूबलाइट क्या है? एक मैटर. लेकिन ट्यूबलाइट को जलाने के बाद जो उजाला उससे आ रहा है, वो होती है एनर्जी. सो एवरीथिंग डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, मैटर एंड एनर्जी. अभी हम बात करेंगे सिर्फ मैटर की. मैटर, जिसको हम सब्सटेंस भी कहते हैं, फिर से वही वाली बात आ जाती है, प्योर सब्सटेंस, मिक्सचर. प्योर सब्सटेंस के अंदर अपन समझेंगे एलिमेंट्स को और कंपाउंड्स को. सो गाइस, प्योर सब्सटेंस आते ही हमारे माइंड में वर्ड आता है ए सब्सटेंस विदाउट एडल्ट्रेशन, एक ऐसा सब्सटेंस जिसमें किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं हो, इजंट इट? लेकिन अकॉर्डिंग टू साइंस, कोई भी सब्सटेंस प्योर नहीं हो सकता. प्योरिटी का मतलब होता है एलिमेंट्स या कॉम्पोनेंट, सिंगल कॉम्पोनेंट से कोई मैटर बना हुआ हो. तो प्योर सब्सटेंस को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. प्योर सब्सटेंस के अंदर पहला आता है एलिमेंट्स. नाउ एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट इज ए प्योर केमिकल सब्सटेंस कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम. अब इस चीज को इस तरह समझते हैं अपन, कोई चीज प्योर कैसे हो सकती है? हम बात करते हैं प्योर मिल्क की और प्योर घी की. क्या मिल्क प्योर हो सकता है? मिल्क के अंदर तो फैट्स भी होते हैं, वाटर भी होता है. तो इस तरह से अपन कह सकते हैं कोई भी चीज प्योर नहीं है. तो प्योर वर्ड को ही समझने के लिए हमें एलिमेंट्स और कंपाउंड्स दोनों को समझना पड़ेगा. फिर से अपन बात करते हैं एलिमेंट्स की. प्योर केमिकल सब्सटेंस कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम, ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो एक ही एटम से बने हुए होते हैं. फॉर एग्जाम्पल हीलियम, ऑक्सीजन. देखो ऑक्सीजन के दोनों एटम सिंपल है, सेम है एक दूसरे से, यहां कोई भी दूसरा एटम या तीसरा एटम नहीं है. गोल्ड आपने देखा होगा, गोल्ड की, सोने की ईंट है आपके हाथ में अगर, तो उसमें सारे के सारे एटम्स किसके होंगे? गोल्ड के, अगर वो प्योर हुई तो. सिल्वर आपने देखा होगा, उसमें सारे के सारे एटम्स किसके होंगे? सिल्वर के. तो एक ही टाइप के एटम से जो बनते हैं उन्हें कहा जाता है एलिमेंट्स. हीलियम, ऑक्सीजन, सिल्वर, गोल्ड, आयरन एक्सेट्रा. नाउ अब एक प्योर सब्सटेंस का एक रूप और, कंपाउंड्स. कंपाउंड इज ए प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइंड इन अ डेफिनेट रेशियो. कंपाउंड्स भी प्योर सब्सटेंस का एक पार्ट है,
लेकिन इसमें एक से ज्यादा एलिमेंट्स एक खास रेशो के अंदर कंबाइंड हो जाते हैं। एग्जाम्पल देखना है आपको H2O, इसमें दो तो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। पानी के अंदर सारे के सारे एटम्स इसी तरह के होंगे, H2O, 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 लेकिन ये एक मॉलिक्यूल तीन अलग अलग एलिमेंट से बना है। दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से अगर कोई चीज बनती है, कंपाउंड हो जाती है, तो उसको कहा जाता है कंपाउंड। एग्जाम्पल H2O, NH3 अमोनिया, NaCl सोडियम क्लोराइड नमक, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड गंधक का तेजाब,